चित्तौड़गढ़ राष्ट्र संत कमल मुनि कमलेश गुरुवार को गोकुलधाम से विहार कर चित्तौड़गढ़ पहुंचे। राष्ट्र संत मुनि कमलेश के साथ घनश्याम मुनि व गौतम मुनि का प्रातः कुंभा नगर स्थित महेश भवन में आगमन हुआ। इसके पश्चात महेश भवन में प्रवचन में बड़ी संख्या में धर्मालोगों ने भाग लिया। राष्ट्र संत का यहाँ से मीरा नगर स्थानक विहार होगा। तत्पश्चात 1 मई को विहार धाम उद्घाटन समारोह में भाग लेंगे। राष्ट्रीय संत कमल मुनि कमलेश ने वॉइस ऑफ एमपी से ज्वलता मुद्दे पर वार्ता करते हुए कहा कि देश में बढ़ रही बलात्कार एवं हिंसा की घटनाओं तथा मासूम बालिकाओं के साथ रेप की घटनाओं पर गहन दुख व चिंता प्रकट करते हुए कहा कि इन घटनाओं को रोकने के लिए जहां संस्कारों की पुनर्स्थापना की आवश्यकता है, वहीं हमारी सरकारों को कड़े कानून बनाने एवं अमर्यादित व अश्लील चलचित्र विज्ञापनों तथा इंटरनेट पर चल रहे विभिन्न साइटों को बंद करने या कड़ा अंकुश लगाने की सख्त आवश्यकता है। राष्ट्र संत मुनि कमलेश ने कहा कि देश भर में आए दिन मासूम बालिकाओं के साथ जो विभत्स व दर्दनाक घटनाक्रम हो रहे हैं वह निश्चित ही चिंतनीय है। समाज में सामाजिक स्तर पर ऐसे समाज कंटकों पर सख्त से सख्त सजा का प्रावधान भी बनाना चाहिए। या साहित्य या गीत या अक्षर ध्वनि प्रदर्शन जो हो रहे हैं इनको नहीं रोका तो आने वाले समय में हमारे देश की भयावह स्थिति बनेगी। और विश्व के अंदर आज गुराप ऊंचा जा रहा है अपराध में, बुराई में, भ्रष्टाचार में, विनाश में या इन चीजों में, तो इनको रोकने के लिए हम सब मिलकर कर सामूहिक प्रयास करें, संस्कारवाद काम करें, चैत्रवाद करें। और मैं कहूँगा सेंसर बोर्ड के कानून को कड़ाई से लागू किया जाए और ऐसी घटनाओं के लिए कठोर कार्रवाई की जाए। आज भी राजनीति के दुष्परिणाम से कुछ स्वार्थी तत्व ऐसे लोगों को बचाने में आ जाते हैं। चित्तौड़गढ़ से रेखा खाबिया की ये रिपोर्ट।